दहेज प्रथा और बाल विवाह के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से तरंग आर्ट के द्वारा एक निजी होटल में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग ली। इस अवसर पर विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। Want to represent a short speech on Dora system. I believe that Dora system is the greatest source of Indian society. Demanding for cash, jewelry, and costly items of furniture like refrigerators, television sets, mobile. मैं ये पिछले 2 महीनों से अभियान चला रहा हूँ। जैसे ही सरकार ने अपनी योजना में दहेज प्रथा को डाला तो मुझे ऐसा लगा कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे और जमीनी स्तर पर इसको जागरूक नहीं करेंगे तो ये जागरूकता नहीं आएगी। इसलिए मैं बच्चों को अपनी चित्रकारी का माध्यम से समझाना शुरू किया कि दहेज होता क्या है। बहुत सारे बच्चों ने ये जानते भी नहीं है कि दहेज होता क्या है, तो मैंने उनको बताया कि दहेज ऐसी एक विडंबना है, एक ऐसा अभिशाप है जो लोगों को निगल रहा है। इसे समझो और इसकी प्रति जागरूक हो और इसे समाप्त करना है। तो उन बच्चों को मैं एक चित्रांकन के माध्यम से शहर के विभिन्न स्कूलों में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजन की और ये पिछले 2 महीनों से आयोजन करते करते आज एक समापन समारोह पर पहुंचे हैं, जिसमें बच्चे ज्ञान ज्योति और डीएवी स्कूल के बच्चे आज उपस्थित हैं और सबसे बड़ी बात है उनके अभिभावक भी उपस्थित हैं। हमारे बीच जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष जी महोदय उपस्थित थे और उनको अपने हाथों से बच्चों को सम्मानित भी किए और मैं चाहूंगा कि अभियान हमारा आगे भी जारी रहे। कितने छात्र छात्राओं तक अभी तक समझ लिया? अभी तक मैंने 5,000 छात्र छात्राओं को इस पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से जागरूक किया। लोगों को तो क्या संदेश दीजिएगा? लोगों को ये संदेश देंगे कि उन बच्चों को माध्यम तो बहुत होते हैं लेकिन एक पेंटिंग भी माध्यम है, चित्र भी माध्यम है, जिसके द्वारा हम उनको ये बताएं कि ये एक अभिशाप है, इसको समाप्त करना है और इसके प्रति स्वावलंबी बनना है और जागरूक बनना है। नाम बता दो। सुकेश कुमार।